हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। HMD Global फिर से सी सीरीज का नया Nokia C1 फोन को इंट्रोड्यूस कर दिया है। दोस्तों यह वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आखिर तक जरूर इस वीडियो को देखते रहिएगा। एंड गाइस, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को और लाइक्स कमेंट्स और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। Nokia C सीरीज काफी पॉपुलर फोन हुआ करता था जब Nokia को स्मार्टफोन किंग कहा जाता था। इस सीरीज में स्मार्टफोन और फीचर फोन दोनों ही अवेलेबल है, जिस कारण कि यह किसी के भी पॉकेट में आराम से एडजस्ट हो सकता है। अभी HMD Global इस सीरीज को फिर से वापस ला रहा है विद द न्यू Nokia C1। दोस्तों कीनिया में इस फोन का अनाउंसमेंट आज ही हुआ है। Nokia C1 एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन है जिसे अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और एशिया पैसिफिक के लिए टारगेट किया गया है। अगर हम डिजाइन की बात करते हैं तो यह Nokia OnePlus के जैसा ही सिमिलर डिजाइन है, जो कि एक एंड्रॉइड को एंट्री लेवल फोन है। हाँ, उसमें कुछ डिफरेंसेस जरूर है। Nokia C1 में एक होल है जो पीछे के स्पीकर को होल्ड करता है, जैसे कि Nokia OnePlus में आपने देखा है, लेकिन यह होल लेफ्ट साइड में है जो कि राइट साइड में होना चाहिए था। गाइस, Nokia C1 में LED फ्रंट में दिया गया है जो सेल्फी कैमरा के लिए है। इन दो डिफरेंसेस के अलावा इसका जो रेड कलर है उसका शेड थोड़ा सा अलग है, जिस कारण इसे आप Nokia OnePlus का रिब्रांडिंग भी कह सकते हैं। अगर हम स्पेक्स की बात कर लेते हैं तो Nokia C1 में 5.45 इंचेस का FWVGA प्लस IPS डिस्प्ले है, जैसा कि Nokia OnePlus में है। स्पेक्शीट कहता है कि यह टफेंड ग्लास डिस्प्ले है। इसमें 5 मेगापिक्सल का कैमरा है जो एपर्चर 2.4 का है, साथ में LED फ्लैश भी दिया गया है, और फ्रंट में 5 मेगापिक्सल का कैमरा है जिसके साथ LED फ्लैश भी दिया गया है। दोस्तों इसका रैम 1GB का है और 16GB तक का एक्सपेंडेबल स्टोरेज का फैसिलिटी भी है, जिसमें कि प्रोसेसर कोई अननेम्ड है जो 1.3 GHz क्लॉक स्पीड पे चलता है। और दोस्तों यहाँ क्वाड कोर प्रोसेसर है। फोन के लेफ्ट साइड में गूगल असिस्टेंट का बटन दिया गया है, एक माइक्रो USB पोर्ट है, डुअल सिम सपोर्ट दिया गया है जो नैनो सिम को सपोर्ट करता है, ऑडियो जैक है, FM रेडियो है, ब्लूटूथ 4.2 है और माइक्रो SD कार्ड स्लॉट है जो कि 64GB तक का मैक्सिमम सपोर्ट करता है। गाइस, इसमें GPS भी है, साथ में Wi-Fi भी दिया गया है और Wi-Fi की स्पीड 2.4 GHz है। HMD Global ने गाइस इसमें 4G का सपोर्ट नहीं दिया है, तो आपको दोस्तों ये फोन से 3G लिमिटेशन का ही मिलेगा। ये वैसा बहुत बड़ा कोई इश्यू नहीं है, खासकर उनके लिए जो फीचर फोन से स्मार्टफोन में कन्वर्ट हो रहे हैं और उनके लिए बहुत पहला स्मार्टफोन है। HMD Global इस फोन को शिप कर रहा है Android 9 Go Edition के साथ, जिसमें कुछ एप्स इन्होंने इंक्लूड किया है जैसे कि YouTube Go, Gallery Go etc. इस फोन का प्राइसिंग 5999 केनियन करेंसी में है, जो कि $60 अप्रॉक्स है। इसके अलावा इस फोन का प्राइसिंग और अनाउंसमेंट, ग्लोबल अवेलेबिलिटी का भी कोई इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगा, लाइक्स कमेंट्स और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट लीक इन्फॉर्मेशन के वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड, दिस इज सुबीर।